नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज राज और आज हम पहुंच चुके हैं अजीत गंज के पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने। और बेकरी का क्या नाम है? श्री जी बेकरी के पास। और यहाँ पर एक सांप देखा गया है, तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। पहले सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने मुझे फोन किया था। भैया आ जाइए। तो आपको कैसे सांप दिखा? यहाँ पर यहाँ पर बैठा हुआ था। तो कुछ पहचानने की कोशिश की आपने? कौन सा सांप है? आप पड़े हुए हैं। अच्छा, दोस्तों इनका कहना है कि जो रसल वाइपर होता है वो सांप है, चिट्टी सांप है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, आपको दिखाते हैं कौन सा सांप है। इधर है, कहाँ पे? मेट जो है यहाँ पे अंदर है। अच्छा ठीक है दोस्तों, हटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये सामान को हम हटवाते हैं तभी दिखेगा यहाँ पर है कि नहीं है। है भी तो कौन सा इसमें के? हाँ हाँ, तो वो रसल वाइपर आप बोल रहे हैं। अभी तो दोस्त पास से दिखाई दोस्तों मुझे दिख चुका है रसल वाइपर है, लेकिन इन दिनों में यह पाया नहीं जाता है क्योंकि ये ज्यादातर है खेतों में ही निवास करता है अपना। ये बहुत बिग साइज का है। ये तो सब बहुत ताकत होती है। और इसके आपको बारे में इसमें पूरी फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में। कोई बात नहीं, ये देखिए कहीं भी नहीं जाएगा, ये निश्चिंत रहिए। ये जंप करके भी हमला करता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे रखते हैं। और ये मेरी गिरफ्त में आ चुका है। ये भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक होता है। हाँ, इसमें हीमोटॉक्सिन नाम का वेनम पाया जाता है जिसको काटने के बाद इंसान का बहुत तेज ज्यादा सूजन आती है। जब अगर हाँ इलाज नहीं मिलता है तो फफोले पड़ने चालू हो जाते हैं, क्योंकि यह सांप है डायरेक्ट अंडे नहीं देता, ये बच्चे देता है। और इसके काटने के बाद जहाँ पर ये देखिए, ये बिजली की रफ्तार से हमला करता है। कोबरा नाग भी इसके आगे फैल होता है हमला करने में, लेकिन जब नहीं काटेगा तो बहुत सीधा सांप होता है। इसे रसल वाइपर बोलते हैं, भोनत बोलते हैं, दबुइया बोलते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। क्योंकि इसका निवास जो है अधिकतर गन्ने के खेतों में पाया जाता है। और ये जो इसका मुख्य भोजन जो है चूहे, छोटे छोटे पक्षी। क्योंकि आपने बताया कि गोल गोल रिंग करके पड़े हुए, तो मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये रसल वाइपर जो है अभी यहाँ पे नहीं पाया जाता है। इस समय जो सीजन चल रहा है सबसे ज्यादा कोबरा का चल रहा है, कोबरा कॉमन का है, सबसे ज्यादा कोबरा मिलता है इस समय। क्योंकि ये भूखे की तलाश में था, अपने भोजन की तलाश में यहाँ पर घुस चुका है। और ये बहुत ही बिग साइज का है। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि अगर कभी भी सांप अगर आपको ये सांप अगर कभी भी किसी को काटे तो आपको जरा भी बांधना नहीं है। अगर आप बांध देंगे तो सांप फट जाएगा, क्योंकि इसके काटने के बाद बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। और अगर इलाज नहीं मिलता है तो फफोले पड़ना चालू हो जाते हैं, फिर जहाँ पर काटा है वो हमें गलने लगता है। इसमें हीमोटॉक्सिन जहर पाया जाता है जो इंसान की किडनी जो है पूरी तरह से डैमेज कर देता है। इंसान की किडनी 0% बचती है अगर इसका इलाज नहीं मिलता है तो। ऐसे अपने यहाँ पर 3 सांप पाए जाते हैं, तो अक्सर लोग गलती कर देते हैं पहचानने में।
एक हो गया रसल भाई पर ये, और एक होता है कॉम अजगर, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। नहीं नहीं वो नहीं होता है, एक कॉमन सेंट बुआ होता है, अभी आपको दिखाएंगे। मैं कॉमन सेंट बुआ हो गया और अजगर हो गया रॉक पाइथन और ये रसल वाइपर हो गया, तो इनकी पहचान जैसे कम लोग देखते तो उन्हें पहचान बिल्कुल नहीं होती है कि रॉक पाइथन हुआ और कॉमन सेंट बुआ हुआ तो उन्हें ध्यान नहीं पाया जाता है। तो अक्सर क्या करते हैं लोग उनको पालने के चक्कर में पकड़ने के चक्कर में कभी कभी इसको भी पकड़ लेते हैं, इसको बाइट करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी सांप काटे ये नर सांप है और ये बिजली की रफ्तार से हमला, ये इसका आकार इसने ले लिया, ये ऐसे करके ये समझो ये हमला करने वाला है। इतना तेज तो हाँ इतना तेज तो नांग भी हमला नहीं कर पाता इसकी अपेक्षा में, बहुत पीछे है ये, कब बैक हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये सांप जो है बच्चे देता है, बच्चों को जन्म देता है, ये अंडे नहीं देता है। 70% सांप हैं जो अंडे देते हैं, 30% सांप जो हैं वो बच्चे देते हैं। तो कभी भी इसके काटने के बाद बांधे नहीं, सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही ला जाए। इसका घरेलू उपचार कुछ भी नहीं, अगर सांप ने काटा है तो तुरंत उसे साबुन से धो दे और सीधे हॉस्पिटल लेके जाए। झाड़ फूक बालों के पास इलाज नहीं है, केवल 10% ही सांप जहरीले हैं जिनके काटने के बाद मृत्यु हो सकती है, और 90% जो स्नेक हैं वो नॉन वेनम स्नेक हैं, उनके काटने के बाद कुछ भी नहीं होता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं झाड़ फूंक वालों के पास जाते हैं और जो बगैर जहरीला सांप काटता है तो उन्हें ऐसे ही बचा देते हैं, क्योंकि कोई बगैर जहरीला सांप काटता है तो आप कहीं भी मत जाइए तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। जब भी झाड़ फूंक वालों के पास जहरीला सांप काटने के बाद इलाज कराने के लिए लोग जाते हैं तब वो वहां पे मर जाता है, वो कोई कोई बहाना बना देते हैं कि आप लाने में देर कर दिए या कुछ कर दिए, क्योंकि अगर किसी को 10 सांप काटते हैं तो केवल एक सांप ही जहरीला काटता है, 9 सांप बगैर जहर वाले काटते हैं, तो इसलिए वो उन्हें बचा देते हैं और बाई बाई लूट लेते हैं। तो सबसे पहले यही है कि सीधे हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि इंसान की जो मृत्यु होती है वो सांप के भय से इतनी जल्दी नहीं होती, वो डर की वजह से होती है। हाँ इंसान को हार्ट अटैक पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है घबराने की वजह से। कोई भी सांप काटे तो घबराए नहीं, क्योंकि इसके काटने के बाद बहुत तेज दर्द होता है, इतना तेज दर्द होगा आपका जिस्म फट जाएगा पूरा, ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि इसका काम है ब्लड की क्लोटिंग को रोकना, अंदर अंदर ही ब्लीडिंग कर देता है, खून के थक्के जमा देता है जो दिल तक नहीं पहुंच पाते हार्ट तक, और हार्ट से पंप नहीं कर पाते, आदमी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक सांपों में से एक है, भारत में सबसे डेंजर स्नेक में इसकी गिनती आती है। तो दोस्तों बगैर देरी किए हुए हमें अगर किसी सांप से डर लगता है तो इसी से लगता है, क्योंकि कोबरा नाम को मुझे ऐसे भी उठा सकते हैं लेकिन इसको नहीं, क्योंकि ये बिजली की रफ्तार से हमला करता है। तो दोस्तों बगैर देरी के उसे मैं करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा बहुत ही खतरनाक सांप होता है, इसकी मुकाबले में कोई भी सांप हमला नहीं कर पाता इतनी तेजी से। क्योंकि सांप के दांत जो इसके सांप के जो दांत होते हैं वो सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, इसके मुकाबले किसी भी सांप के दांत इतने बड़े नहीं होते हैं। तो दोस्तों बहुत इसकी आप जो त्वचा देख सकते हैं बहुत खुरदुरी होती है। जय हिंद, ध्यान रखिए अगली बार यार। और कुछ है ना फुट्टा दे दीजिए हल्का सा कपड़ा वो, क्योंकि वैसे ये जितनी जल्दी काटता नहीं है लेकिन जब इसे दिया जाए तो ये दौड़ दौड़ के भी काट सकता है।
जब इसकी जो है इसकी पहचान जो होती है अभी इसको थोड़ा दिया जाए तो ये बिजली की रफ्तार से हमला भी करेगा। अभी ठीक है दोस्तों, मैंने सुरक्षित पैक कर लिया है और इसका पुनर्वास के लिए अभी अभी ही रिलीज रास्ते में जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा क्योंकि इंसानी इलाकों से दूर इसका होना जरूरी है। अगर इसका किसी इंसान का पैर पड़ेगा तो ये बाइट करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसे है जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा अभी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई जगह के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।